उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25। इब्राहिम ने कटूरा नामक एक दूसरी पत्नी से विवाह किया। उससे ये पुत्र हुए, जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, इश्बाक और शुआ। योक्षान के पुत्र थे शबा और ददान। ददान के वंशज हुए अशूरी, लटूशी और लवमी लोग। मिद्यान के पुत्र थे एफा, एफेर, हनोक, अबीदा और एल्दा। ये सब कटूरा के वंशज हैं। इब्राहिम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी। अपनी उपपत्नियों के पुत्रों को इब्राहिम ने केवल धन, वस्त्र आदि दिए और अपने जीवन काल में ही उन्हें अपने पुत्र इसहाक से दूर पूर्व देश में भेजा। इब्राहिम कुल मिलाकर 175 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। सुखी वृद्धावस्था में, अच्छी पकी उम्र में उसका देहांत हुआ और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माएल के मामरे के पूर्व हित्ती सोहर के पुत्र एफ्रोन के खेत में मकपेला की गुफा में उसे दफनाया। इब्राहिम ने वह खेत हित्तियों से खरीदा था। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा का दफन किया गया। इब्राहिम के मरने के बाद ईश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया। इसहाक बेरले रोही नामक कुएं के पास रहता था। इब्राहिम के पुत्र इस्माएल की, जो सारा की मिस्री दासी हागार से इब्राहिम के यहाँ पैदा हुआ था, वंशावली यह है। इस्माएल के पुत्रों के नाम उनके जन्म के क्रमानुसार ये हैं। इस्माएल का सबसे बड़ा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिपसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, यटूर, नाफिश और केदमा। ये ही इस्माएल के पुत्र थे। इनके नामों के आधार पर इनकी बस्तियों और शिविरों के नाम पड़े गए और ये 12 वंशों के मूल पुरुष हैं। इस्माएल कुल मिलाकर 137 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा और अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके वंशज हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व और असुर की दिशा में अवस्थित है, बस गए। वे अपने सब भाई बंधुओं की विरोधी थे। यह इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली है। इब्राहिम इसहाक का पिता था। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने पदन अराम के निवासी अरामी बतुएल की पुत्री और अरामी लाबान की बहन रिबेका के साथ विवाह किया था। रिबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। गर्भ में बच्चे एक दूसरे को धक्का देते थे, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वह प्रभु से पूछने गई। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं, तुमसे 2 राष्ट्र उत्पन्न होंगे और वे अलग अलग हो जाएंगे। एक अपने भाई से शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। जब जन्म का समय आया तो मालूम हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। जो पहले दिखाई दिया वह लाल था और उसका सारा शरीर कंबल की तरह रोइनदार था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा। इसके बाद उसका भाई दिखाई दिया, वह अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा। इन बच्चों के जन्म के समय इसहाक की आयु 60 वर्ष की थी। बड़ा होकर एसाव वन में रहने वाला एक कुशल शिकारी बना, परंतु याकूब शांत स्वभाव का था और अपने तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव को बहुत चाहता था क्योंकि
उसके द्वारा शिकार किए हुए पशुओं का मांस उसे पसंद था, परंतु रिबेका याकूब को प्यार करती थी। एक दिन जब याकूब दाल बना चुका था, एसाव जंगल से लौटा। उस समय वह बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। इस कारण वह एदोम अर्थात लाल कहलाने लगा। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने पहलौठा होने का अधिकार मुझे दे दो। इस पर एसाव ने कहा, मैं मरने को हूं, तो पहलौठा होने के अधिकार से मुझे क्या लाभ। याकूब बोला, तो पहले इस बात की शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाकर अपने पहलौठा होने का अधिकार याकूब को दे दिया। इस पर याकूब ने एसाव को दाल रोटी खिलाई। खाने पीने के बाद वह उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा।